एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बैनन एकेडमी। यह हमारा सेकेंड क्लास है मैथमेटिकल लॉजिक का। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। तो एग्जांपल फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच कंपाउंड प्रोपोजिशन। गिवेन है क्या, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन का सिम्बॉलिक फॉर्म हमें गिवेन है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है और इसका हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है, यहाँ कितने स्टेटमेंट है, पी और क्यू। तो पी फर्स्ट कॉलम, पी एंड सेकेंड फॉर क्यू। अब यहाँ क्या करूंगी, या निगेशन वाला पार्ट यहाँ जो होगा उसे मैं यहाँ लिखूंगी। तो निगेशन पी में तो है नहीं, ओनली निगेशन ऑफ क्यू। तो we will write here negation of q. Now in this column we will write negation of q, इस bracket वाले part को negation of q, disjunction means or q, और को disjunction भी बुलाते हैं। अब last column है, last column में क्या करेंगे, ये पूरा पूरे portion को हम यहाँ पे note down कर रहे हैं, p and निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। ठीक है, लास्ट पोर्शन में जो पूरा पार्ट दे रखा है उसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगी। अब इसका ट्रुथ टेबल करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रू फॉल्स। तो जब पी क्यू होता है तो मैंने क्या बताया था, पी क्यू में टू एंड वन, टू वन याद रखना है, 21, टू और वन के रेशियो में यहाँ पे लिखना है। इट मीन्स क्या, दो टू टाइम्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ट्रू ट्रू एंड टू टाइम्स फॉल्स एफ एफ। वन है, इट मीन्स क्या होगा, वन टाइम्स ट्रू वन टाइम फॉल्स, वन टाइम ट्रू एंड वन टाइम फॉल्स। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास है पी क्यू, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अभी थ्री वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है, थ्री जब मैं पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं बताऊंगी कि थ्री के लिए क्या होता है। तो थ्री के लिए तो बाद में, पहले टू का है तो इसके लिए मैं टू का बता रही हूँ। अब निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू का क्या काम होगा, तो निगेशन तो मैंने बताया था, जैसे ही निगेशन लगता है तो जस्ट अपोजिट आप लिख दो। ट्रू है, इट मीन्स यू विल राइट हियर फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू देन फॉल्स, निगेशन इट मीन्स अपोजिट हो जाएगा, फॉल्स है तो इसका ट्रू। जिसमें निगेशन, अगर पी में निगेशन लगा होता तो पी का जो दिया है टेबल में उसका मैं अपोजिट लिख देती, यहाँ क्यू का है तो क्यू का निगेशन। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ क्यू और इट मीन्स, इसका मीन्स क्या हो गया, और है ना, ये और को ही बुलाते हैं हम लोग, और का ये सिंबल है, और का, और को डिस्जंक्शन। तो निगेशन ऑफ क्यू और क्यू का, तो निगेशन ऑफ क्यू और क्यू, इट मीन्स पहले मुझे एक निगेशन क्यू को देखना है, उसके बाद क्यू को, और कंडीशन क्या लगेगा यहाँ पे, और का। तो और का लगने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं इसका कलर चेंज करके लिखती हूँ। तो और करने के लिए क्या करूंगी, तो और में क्या होता था, मैंने ये एक तो मैंने बताया था कि जब भी आप और लो तो उसमें एक ट्रिक बताया था कि आप उसमें एडिशन, टी को वन मान लो और एफ को जीरो मान लो, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया है, और की कंडीशन में इस दोनों के बीच में प्लस यूज कर देना प्लस। तो दूसरा एक मैंने बताया था कि इफ इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, कहीं दिख रहा है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू तो है, किसमें देखना कहा है, इस दोनों में, दिस वन, इस दोनों में आपको चेक करना है, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स और के कंडीशन में। तो बोथ वैल्यू फॉल्स कहीं नहीं है, तो बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो जब है नहीं फॉल्स तो देन अदरवाइज ट्रू, तो सारे ट्रू हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपको करने का मन हो प्लस वाला है तो भी कंडीशन आप कर सकते हो, वन को हमने टी को वन माना, एफ को जीरो, तो वन प्लस जीरो वन आएगा, और वन हमने किसको माना, टी को, तो इसलिए टी आएगा, फिर यहीं पर होगा जीरो प्लस वन वन, तो वन टी है, फिर वन प्लस जीरो वन आएगा, वन टी है, फिर जीरो प्लस वन, ये मैंने बताया, तो आप जो भी आपको याद हो उसे आप कर लेना। अब नाउ नेक्स्ट पी एंड, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एंड, इसे हम एंड बुलाते हैं। P and negation of Q or Q, मतलब इस ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट
और पी, मीन्स पी ये है पी, और इसे आपको देखना है, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को, और दोनों के बीच में क्या है, एंड लगा हुआ है, तो आप उसे नो देखो, ये टी और टी, पी वाले में देखो और इस ब्रैकेट में, और क्या काम लोगा एंड, तो एंड वाले में क्या करूंगी, एंड वाले में क्या होता था, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, इफ बोथ, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तब देखो इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, तो ट्रू ट्रू, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू बट हियर इट इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आप डाल दो, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू तो ट्रू नहीं है फॉल्स, ट्रू की मीन्स फॉल्स हो जाएगा, तो ऐसे जिसमें ऐसे ट्रूथ टेबल का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड एम्प्लॉय क्यू, तो क्वेश्चन में अगर गिवन आपको क्वेश्चन में ऐसे ही इसी टाइप से दिया रहेगा और आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल को, ट्रूथ टेबल को आप याद कर लेना, एंड और में क्या होता है, इफ देन में क्या होता है, इफ एंड वो लीफ में क्या होता है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सिंबल है पूरा, कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवेन है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें गिवेन है, तो अब हमें इस पूरे का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही है स्टेटमेंट पी क्यू है, तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पी, नाउ नेक्स्ट वी विल राइट हियर क्यू, हाँ अब नाउ नेक्स्ट निगेशन पार्ट, निगेशन क्या है, पी में भी निगेशन क्यू में भी, तो वी विल राइट हियर निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, निगेशन पी क्यू हो गया, अब देखो अब ये वाला पोर्शन है, पहले इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, पी और क्यू ब्रैकेट में, मैं ऐसे ही लिखू पी और क्यू, ठीक है, और पी और क्यू के बाहर में क्या लिखा है, निगेशन, तो अब मैं यहाँ पर निगेशन लगाती हूँ, पी और क्यू ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, निगेशन, तो निगेशन ऑफ इतना। अब नाउ नेक्स्ट ये वाला पोर्शन का काम हो गया, अब नेक्स्ट इधर आती हूँ, निगेशन पी तो हमने पहले ही लिख लिया, निगेशन क्यू पहले ही लिख लिया, तो अब ये पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिखो, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू पूरे ब्रैकेट को, ओके okay? अब ये पोर्शन जो हुआ लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में ये पूरा जितना भी स्टेटमेंट दे रखा है पूरे को मैं यहाँ पर लिखूंगी लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में कैसे लिखूं, आप पहले ब्रैकेट ले लो, निगेशन लगा लो, मैं छोटा लिख लूँ स्पेस प्रॉब्लम में, पी और क्यू, ओके दोनों के बीच में, दोनों स्टेटमेंट के बीच में कौन सा सिंबल है, और का डिसजंक्शन, और ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको बहुत बारीकी से बनाना है। नाउ नेक्स्ट, अब फिर स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू वन का ही काम करेंगे, इट मीन्स टू टाइम्स ट्रू एंड टू टाइम फॉल्स, टू टाइम ट्रू ट्रू टू टाइम फॉल्स, एफ एफ वन इट मीन्स वन टाइम ट्रू वन टाइम फॉल्स, वन टाइम ट्रू एंड वन टाइम फॉल्स, ठीक है। अब निगेशन पी, निगेशन पी में क्या होगा, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होगा, ट्रू फॉल्स में एंड फॉल्स ट्रू में, पी का निगेशन है फॉल्स ट्रू में, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का क्या करेंगे, क्यू का ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो देन ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, निगेशन के कंडीशन में हमने निगेशन तक काम कर लिया। नाउ नेक्स्ट, पी पी और क्यू, पी और क्यू के कंडीशन में क्या लेंगे, तो आपको कौन सा देखना है, आप यहाँ पर ये वाले पी और क्यू इस दोनों कॉलम को देखना, पी और क्यू, तो क्यू और के कंडीशन में क्या होता है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो चेक करो, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, यस हियर हियर इट इज, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
If both the values are false, then answer is false. Otherwise true. Otherwise सारे में कहीं दोनों false नहीं है तो इसलिए सारे में true हो जाएगा. ठीक है, कौन से कॉलम में? P और Q. P और Q में देखना, both the values false बस इसी दोनों में है, बाद बाकी नहीं है. True true है, true false है, false true है, इसलिए सारे true हो गए और ये false हो गए. ठीक है, now next. P और Q, तो P और Q कॉलम यही है, बट हमें क्या करना है, इसमें निगेशन लगाना है. P और Q में क्या होगा? निगेशन लगाना है. तो जब आप P और Q में निगेशन लगाओगे तो क्या होगा? हाँ, ये यही पोर्शन, इसी पोर्शन में निगेशन आपको बाहर में लगा देना है. तो निगेशन लगाने से क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में, एंड फॉल्स ट्रू में. ओके, निगेशन लग गया. अब नाउ नेक्स्ट, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. किस पोर्शन की बात हो रही है? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों पोर्शन की. तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है? एंड का. इट इज एंड कंजंक्शन. तो इस दोनों कॉलम में हमें देखना है. तो निगेशन एंड है, तो एंड वाले में क्या होता है? फर्स्ट, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, ऐसे ले लो. या फिर जो मैंने बताया था, एंड वाले में मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, टी को वन मानते हैं और एफ को जीरो मानते हैं, और के कंडीशन में प्लस यूज करते हैं. तो आपको अगर वो याद है तो उसके थ्रू आप ट्रूथ टेबल लिख लेना. मैं इस तरह से कर रही हूँ. सॉरी. हाँ, इस दोनों कॉलम एंड, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू. तो देखो, इफ बोथ द वैल्यूज ट्रू, ट्रू नहीं, इफ बोथ द वैल्यूज ट्रू, यस, हियर इट इज, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू. If both the values are true, then answer is true. Otherwise false. एक में true, otherwise false. Both the values true, एक ही जगह है, बाद में की जगह नहीं है, both the values true. Otherwise false. तो आप यहाँ पे false. F, F, F. और ये T हो गया. ठीक है, अब next क्या करना? F, F और T. इसका काम हो गया. अब पूरे इस पूरे स्टेटमेंट का जो है तो उसमें आप क्या करोगे? निगेशन ऑफ पी और क्यू कहाँ है? इस कॉलम में है, ये कॉलम. निगेशन ऑफ पी और क्यू, और फिर और लगा है क्या बीच में? और है, और कौन सा स्टेटमेंट? निगेशन ऑफ पी. तो आपको बस ये दोनों, जस्ट ये दोनों कॉलम को लेना है. ये दोनों कॉलम को आपको देखना है. इस कॉलम को क्या लिख सकती हूँ? इस कॉलम के लिए, और के लिए, और के लिए क्या होता है? इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो फॉल्स फॉल्स है. बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, फॉल्स. इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. सब मिल रहा है. इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो क्या है यहाँ? तो बोथ वैल्यूज ट्रू है, फॉल्स नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इज बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो अदरवाइज ट्रू ये हो गया. इस तरीके से आप देखें कि कोई भी गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसका हमने कैसे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है. तो बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स है, मैं धीरे धीरे और भी क्वेश्चन बनवा दूंगी. नेक्स्ट, इस टाइप के ट्रूथ टेबल हम ऐसे ही बनाते हैं. अब नेक्स्ट मैं देखूंगी एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इस टाइप का मैं प्रीवियस वीडियो में भी बनवाई हूँ, बट यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपसे करवाती हूँ. एक्सप्रेस द कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स इनवर्स एंड निगेशन फॉर्म ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन बिलो. क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक्स इज रैशनल देन एक्स इज रियल. और इसी बात को आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स इनवर्स एंड निगेशन में सॉल्व करने हैं. सबसे फर्स्ट लेट, तो स्टेटमेंट हमें बनाना है. तो लेट स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर में लेते हैं, तो इसलिए पी, पी क्यू में ले रहे हैं. पी से लेट, व्हाट इज गिवन? इफ एक्स इज रैशनल देन विल राइट हियर एक्स इज रैशनल, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू, क्यू सस्टेट, देन एक्स इज रियल. तो हियर वी विल राइट एक्स
एक्स इज रियल. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म, सॉल्व करने से पहले हमें स्टेटमेंट का क्या करना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट में लिखना है. तो सिंबॉलिक फॉर्म, इस चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में करना है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा. स्टेटमेंट दो है पी और क्यू, तो पी क्यू हमने लिख दिया. क्वेश्चन क्या है, इफ और देन. इफ देन का यूज हो रहा है, इफ देन इट मीन्स कंडीशनल, यही होगा ना, इफ देन में कंडीशनल. तो यहाँ पर क्या कौन सा सिंबल होगा इसके बीच में, कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू. इसका मीन अगर कहीं पी कंडीशनल क्यू दिया होगा तो आप समझ जाना कि इफ देन का हो रही है बातें. तो इफ एक्स इज रैशनल देन एक्स इज रियल, दिस इज अवर सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ वी विल राइट हियर कन्वर्स. हाउ वी विल राइट कन्वर्स, कन्वर्स कन्वर्स को कैसे करते हैं, कन्वर्स जस्ट अपोजिट होगा इसका, कंडीशनल का जस्ट अपोजिट कन्वर्स हो जाता है. तो इट मीन्स क्यू कंडीशनल पी, गिवन ए पी कंडीशनल क्यू, बट कन्वर्स में क्या हो जाता है, क्यू कंडीशनल पी, अपोजिट इसका. और इस स्टेटमेंट में कैसे मैं लिखूंगी, तो पहले क्यू है तो क्यू क्या है, एक्स इज रियल, तो आप बट कंडीशनल इफ देन होता है, तो इसलिए हमें यहाँ इफ का यूज करना है. इफ इफ एक्स इज रियल, x is real, then x is ऊपर क्या है rational, then x is rational, then x is rational, okay. तो ये कन्वर्स हो गया. नाउ नेक्स्ट क्या करना है, कन्वर्स के बाद इनवर्स. इनवर्स 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 में क्या हमें नोट करना है, इनवर्स में क्या है कि इनवर्स क्या हो जाएगा कि निगेशन ऑफ पी, ये कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू का, बस दोनों में निगेशन लग जाता है इनवर्स में. हाउ वी विल राइट हियर निगेशन फॉर्म ऑफ पी, तो पी है, पी बोला कि एक्स इज रैशनल, अगर इसमें निगेशन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट रैशनल. तो क्या लिखोगे, इफ If x is not rational, if x is not rational, then x is negation of q भी लगा हुआ है, तो then x is not real, then x is not real, okay. Now converse, inverse, अब क्या देखना है, contra positive. कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जस्ट इनवर्स का अपोजिट कर देते हैं. इनवर्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, इनवर्स का अपोजिट, निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी. कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू मीन्स इफ एक्स इज नॉट रियल, क्योंकि क्यू बोला है क्यू स्टेटमेंट इज एक्स इज रियल, बट व्हेन वी विल अप्लाई निगेशन तो देन इट विल बी एक्स इज नॉट रियल, इट विल बी इफ फर्स्ट देन क्या है कंडीशनल, एक्स इज क्यू में इफ एक्स इज नॉट रियल देन निगेशन ऑफ पी, व्हाट इज निगेशन ऑफ पी, P is x is rational, और negation of P हो जाएगा कि x is not rational. Then x is not rational. जैसे हम converse, inverse, contrapositive and negation. Negation तो दिया ही, तो negation तो सब में हमने use कर ही लिया है, तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. Negation में वही हो जाएगा, x is not rational, x is not real. ठीक है, तो ये example हमने बताया. रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल आपको करवा देती हूँ. एक्सप्रेस द कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट गिवन है कि इफ 3 लेस देन बी एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 देन साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2. सबसे पहले सॉल्यूशन लेट पी, कितने कंडीशंस हो गए यहां पे, कितने स्टेटमेंट है, फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड थ्री स्टेटमेंट है, तो लेट पी क्यू आर, पी ट्रिलेशन बी एंड क्यू, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और आर हो गया साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू। इसका सिम्बॉलिक फॉर्म कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म क्या है, पी थ्री स्टेटमेंट एंड पी क्यू आर, पी पी और उसके बाद एंड, कौन सा कनेक्टिव है, एंड वन प्लस वन टू, तो क्यू एंड के लिए हमें क्या यूज करना है, ये सिंबल पी एंड क्यू, उसके बाद देन का यूज हुआ है, तो पहले तो मैं ये ब्रैकेट इसे कर दू, देन तो देन आर है, देन मतलब इफ देन, यहाँ पर देन यूज हो रहा है और यहाँ पर इफ, इफ देन, तो इफ देन क्या हो जाएगा, कंडीशनल, ये सिंबल, और थर्ड स्टेटमेंट इज आर, तो ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसी सिंबॉलिक फॉर्म इसी को ही अब हमें क्या करना है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, फर्स्ट वी राइट हियर कन्वर्स, कन्वर्स और कन्वर्स में हमें क्या करना है, कन्वर्स को देख लेना है, पहले कन्वर्स का सिंबल पहले हम चेंज कर लेते हैं क्या होगा, तो कन्वर्स के लिए जैसे आपने यहां देखा इस क्वेश्चन में, कन्वर्स के लिए क्या किया था मैंने, ये P इंप्लाई Q था, तो Q कंडीशनल P कर दिया, तो इस कंडीशन में आपका इसे बस ध्यान देना क्या है, P एंड Q जस्ट अपोजिट हो जाता है, P होता है P कंडीशनल Q होता है, तो उसे क्या लिखते हैं, Q कंडीशनल P, तो यहाँ पर R है तो यहाँ पर R हो जाएगा, R कंडीशनल ब्रैकेट में P एंड Q, बस वैसे चेंज करना था तो ये हो गया। से लिखना कैसे है, इफ पहले आर है तो आर, आर मेरा क्या है गिवन, इफ, इफ देन की बातें हो रही है तो इफ आर है तो इफ, सॉरी आर नहीं लिखूंगी यहां पर, आर वाला स्टेटमेंट क्या है, साइन पाई बाई थ्री, तो इफ, इफ साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू, देन then then p and q की बातें हो रही थी, then what is p, p is 3 less than b, इस दोनों के बीच में p and q लगा हुआ है, p and q 3 less than b and q, q क्या है 1 plus 1, 1 plus 1 is equal to, बस सिंबल देखकर और जो हमने स्टेटमेंट माना है उसको सिंबल को देखकर बस स्टेटमेंट को लिख देना है, तो दिस इज कन्वर्स एंड what we will write in inverse, inverse में क्या होता है, आपने पीछे भी देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनवर्स में हमने क्या किया था, जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें बस हमने क्या लगा दिया था, निगेशन लगा दिया था, निगेशन, तो इनवर्स हो जाएगा, तो वही काम यहाँ भी करेंगे, इसमें हमें निगेशन लगा देना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या कर देना है, निगेशन लगाना है, स्टेटमेंट हमारा यहाँ है, एक मिनट, हाँ ये जो स्टेटमेंट है इसी में हमें निगेशन लगाना है, तो वी विल अप्लाई निगेशन हियर, निगेशन ब्रैकेट के बाद पी, पी एंड क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर इनवर्स है इसलिए, तो निगेशन के केस में इसको और सॉल्व करना होगा, एक स्टेप और मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इसे, यहाँ पे इसको सॉल्व, निगेशन पी को, निगेशन को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, जब निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो एंड सिंबल और में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल चेंज इन और निगेशन ऑफ क्यू, याद रखना अगर यहाँ पर और होता तो एंड में ही कन्वर्ट हो जाता, अंदर निगेशन जब भी मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट और ये कंडीशन कहा जा रहा है, निगेशन ऑफ आर पर, अब इस सिंबल को देखकर, इस सिंबल को देखकर हमें स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, पहले निगेशन ऑफ पी, तो पी का क्या लिखूंगी, इफ, इफ पी क्या दे रखा है, इफ पी लेस देन बी, तो पी लेस देन बी है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी यहाँ पर मैं बताती हूँ, जब लिखा है पी लेस देन बी तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो निगेशन ऑफ पी में, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका अपोजिट लेस देन है तो इसका अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल ही होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो थ्री
डज नॉट लेस देन बी, आप लिख सकते हैं। तो यही है इफ, निगेशन ऑफ पी लगा है तो इफ क्या लिखूंगी यहाँ पर, इफ थ्री मैं ऐसे लिख देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू बी और क्योंकि यहाँ पे और है निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू में क्या लिखेंगे, वन प्लस वन नॉट इक्वल टू, इसका निगेशन यही होगा क्यू, और देन अब कंडीशनल की बातें हो रही है तो देन, देन ये सिंपल है तो देन, और आर आर क्या कह रहा है साइन पाई बाई थ्री, देन साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू बट इज इक्वल टू आर है बट यहाँ निगेशन लगा है तो नॉट इक्वल टू, निगेशन लगने से नॉट इक्वल टू, तो ये इसका इनवर्स फॉर्म है। नाउ हाउ वी विल राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा था पी क्यू आर है और सिंबॉलिक फॉर्म है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सिंबल कैसे लिखेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम कैसे लिखते हैं कि आर, अब ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है इनवर्स का, तो निगेशन ऑफ आर यही वाला हो जाएगा, निगेशन ऑफ आर सिंबॉलिक निगेशन ऑफ ये वाला फॉर्म, इनवर्स का अपोजिट कंट्रा पॉजिटिव होता है, तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या लिखेंगे निगेशन ऑफ आर कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यही इनवर्स में होता है ना, इनवर्स में, इनवर्स में हमने ये किया है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो ये निगेशन ऑफ आर हो जाएगा इसमें हो जाएगा, तो अभी से हम चेंज कर लेते हैं निगेशन ऑफ आर कंडीशनल ब्रैकेट के अंदर हम निगेशन को भेज दिए तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और एंड है तो और हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट हमें नोट डाउन करना है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आर, तो आर क्या है हमारा साइन पाई बाई थ्री, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इफ, ये कंडीशनल है तो इफ देन होगा, इफ साइन पाई बाई थ्री, निगेशन लगा है तो नॉट इक्वल टू, इफ साइन पाई बाई थ्री नॉट इक्वल टू वन अपॉन टू कॉमा देन, देन निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ पी कह रहा है थ्री लेस देन बी, मतलब पीक बोल रहा है तो इट मींस निगेशन क्या हो जाएगा इसका थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका बोल और इट मींस और, तो आप यहाँ पर लिख दो और निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू बोल रहा है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो क्यू क्या बोलेगा वन प्लस वन निगेशन लग जाने से नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रा पॉजिटिव का स्टेटमेंट हो गया, इनवर्स कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन दे रख दिया रहेगा हमें ऐसे ही सॉल्व करना है कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को, और मैंने जो अभी बताया जस्ट कि ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में भी ऐसे ही अगर स्टेटमेंट कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन रहेगा तो उसको देखकर हमें कैसे ट्रुथ टेबल फॉर्म करना है, तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताई हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी आगे मैं और भी एग्जाम्पल्स लाऊंगी और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।